इसके अलावा नाथद्वारा से कुबेर सिंह जी झाला पधारे, नाथद्वारा से कुबेर सिंह जी झाला पधारे। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता डीजे बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए, भैया आ रहे हैं हम रैली के लिए, डीजे बंद करो अभी, किन्हीं भेजो, कुबेर सिंह जी ज्यादा भी बता रहे। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता साहब आदरणीय श्रीमान मुख्य अतिथि जी और हमारे जन जन के लाडले और इनकी खासियत बताना चाहूंगा कि रात को 12 बजे अगर हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ भी दुख पड़ जाता है और मेरे कार्यकर्ताओं का युवाओं का अगर मुझे फोन आता है और मैं 1 बजे रात को भी अगर श्रीमान को फोन करता हूं तो इस प्रकार से इन्होंने 10 बार से उन युवाओं के हित की सुरक्षा की है। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी के जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय हर्षद महोदय। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के इस विशाल सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीचों विराजित युवा मोर्चा जिला राजसमंद के अध्यक्ष जी भाई श्री जगदीश जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय गणेशिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल जी शर्मा साहब, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नंदलाल जी सिंघवी साहब, आदरणीय बागीचा हुकुम कल्पना कौर जी, मंच पर विराजित सभी विशिष्ट जन, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी युवा मोर्चा मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, यहाँ विराजित आत्मीय बंधुजन, वंदनीय मातृशक्ति, मैं स्थानीय युवा मोर्चा मंडल शिवजी शिव कुमार जी शर्मा और उनकी पूरी टोली को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है और जब मैं सुंदर कह रहा हूं तो आपकी उपस्थिति भी उसमें सम्मिलित है और यहाँ का जो श्रृंगार किया वो भी उसमें सम्मिलित है। युवा मोर्चा के सारे मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन सबके सहयोग से ये इतनी संख्या में कार्यकर्ता बंधु बहने यहाँ उपस्थित हुई है। भारत माता की जय। मैं पार्टी के मंडल अध्यक्षों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी अपनी सक्रियता निभाते हुए आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान दिया है और सबसे ज्यादा बधाई मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा कि आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराकर और हमारी पार्टी की विचारधारा और युवा शक्ति का एक बहुत सुंदर प्रदर्शन आप लोगों ने यहाँ किया है। आप सबको बहुत 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 लंबा उद्बोधन नहीं दूंगा, सिर्फ 3 बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी वैचारिक यात्रा भारत में प्रारंभ हुई और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों का विरोध कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
एक नई राजनीतिक पार्टी का संकल्प लिया। अगर सत्ता का लोभ होता इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नई पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं एक मंत्री थे। उनको सत्ता का लोभ नहीं था, उनको राष्ट्र की चिंता थी, और इसलिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाई कि वो कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर सके। अब तक भारत में जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो कहीं न कहीं कभी न कभी कांग्रेस से समर्थित रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे होंगे, कांग्रेस के पद पर रहे होंगे। पहले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस की समूह से नहीं थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले प्रधानमंत्री आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी बने, जो कांग्रेस विचारधारा से नहीं थे, कांग्रेस की बाहर की विचारधारा से थे, वो पहले प्रधानमंत्री बने। और माननीय मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शुद्धतया भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से आज केंद्र में प्रधानमंत्री का दायित्व निभा। ये पहले प्रधानमंत्री घर घर मोदी। और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत में भारत माता की जय हो का उद्घोष पहले करती है और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा बाद में लगाती है। एकमात्र पार्टी है। बहुत स्पष्ट है कि अगर भारत माता की जय नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हो नहीं सकता। चुनीलाल जी घरैसे ने भी बताया कि यह विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विस्तार इस पार्टी को दिया है अमित भाई शाह ने, आज पूरी दुनिया उसको लोहा मानती है। 11 करोड़ संख्या में हमारे सदस्य है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। आप लोगों को अवसर मिले तो आप दिल्ली पधारना और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय को जरूर देखना। देखने योग्य स्तर बना है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय पुनः दुनिया का सबसे बड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कार्यालय है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय दिल्ली में। भाजपा टेक्नोलॉजी भाजपा का पूरा उपयोग करते हुए संगठनात्मक गतिविधि को कैसे संचालित किया जाए उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिल्ली में हमारी पार्टी का कार्यालय है। एक दर्शनीय स्थान है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक पूजनीय स्थान बना है, इसलिए हमको जाना चाहिए देखने के लिए। आप में से कोई भी आना चाहे मुझे कहना, बाकी व्यवस्थाएं सब मैं करवा दूंगा। जो बंधु आते हैं उनको और कोई स्थान दिखाऊं ना दिखाऊं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जरूर दिखाता हूं। मैं स्वयं उतना प्रभावित हूं। और ये किसकी बदौलत संभव हो पाया? दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी कांग्रेस की विचारधारा के समर्थन में नहीं रहा और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर सरकार बनाए, भारत माता की जय होगा उद्घोष पहले करे और भारत माता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा बाद में लगाए, ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बलबूते पर हो पाया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता